दोस्तों, हमारे सेलफोन में एक कुछ समय के पश्चात हमेशा स्टोरेज की प्रॉब्लम बनी रहती है। ऐसे में हम एक एक्सटर्नल स्टोरेज की तलाश करते हैं, जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं। तो पेन ड्राइव लेने के पश्चात होता ही है दोस्तों कि कुछ समय पश्चात वो सही से काम नहीं करती, उसकी रीड और राइट की स्पीड कम हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सैंडिस्क की पेन ड्राइव यूज करते हैं तो कैसे आप उसे सही कर सकते हैं, अगर फिर भी सही ना हो तो कैसे आप उस पेन ड्राइव को रिप्लेस कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ओके दोस्तों मेरे पास एक पेन ड्राइव था 32 GB सैंडिस्क का, और वो जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये वो 32 GB का पेन ड्राइव था। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसका रीड स्पीड तो ठीक था, लेकिन राइट स्पीड में इसमें कमी आ रही थी। मतलब जब भी मैं कोई इसमें गाना या मूवी या कुछ भी डाटा कॉपी करता था तो बहुत ही स्लो कॉपी होता था। तो मैंने इसको सही करने के लिए सबसे पहले सैंडिस्क कस्टमर केयर में कॉल किया कि आखिर ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, ये क्या दिक्कत आ गई है। तो उन्होंने मुझसे मेरा नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये तीनों पूछा, और तीनों पूछ के इसको रजिस्टर्ड किया। फिर मुझे एक कंप्लेन नंबर प्रोवाइड किया। तो फिर मेरे मेल पे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का लिंक दिया, आप जो ये सॉफ्टवेयर देख सकते हैं क्रिस्टल डिस्क 6, इसका लिंक दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप इस लिंक की सहायता से इस सॉफ्टवेयर की सहायता से आप अपने पेन ड्राइव की स्पीड टेस्ट पहले कीजिए। तो मैंने ठीक है वो भी किया। तो फिर उसके बाद इस पेन ड्राइव की सहायता से आप अपना स्पीड टेस्ट करिए, फिर उस स्पीड टेस्ट का स्क्रीनशॉट लेके उस सैंडिस्क के मेल पे भेजना था, ईमेल आईडी पे। तो मैंने वो भी किया। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि मैंने इसकी सहायता से अपने पेन ड्राइव का चेक भी किया, और इसकी स्पीड जो राइट स्पीड आप देख रहे हैं दोस्तों 8.728 MB आ रही थी, जो कि कम थी। तो सैंडिस्क वालों ने बोला ठीक है, इसका सोल्यूशन एक ही है कि इसको मैं पूरी पेन ड्राइव को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने जहाँ पे मैं एड्रेस रहता हूँ मेरा एड्रेस लिया, और उसके बाद ये जो पेन ड्राइव था उन्होंने बोला कि पहले आप इस पेन ड्राइव को ब्रोक कर दीजिए, मतलब तोड़ दीजिए। तो मैंने इस पेन ड्राइव को पूरी तरह तोड़ दिया, और टूटे हुए पेन ड्राइव को उनके बताए हुए एड्रेस पे मैंने भेज दिया, इस टूटे हुए लिफाफे में पैक करके उस एड्रेस पे मैंने सेंड कर दिया। फिर वहाँ से सेंड होने के पश्चात ये वेरीफाई होता है दोस्तों, और वेरीफाई होने के बाद पुनः मेरे एड्रेस पे वो नई पेन ड्राइव रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि उनके द्वारा मेल भी आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो शिपमेंट है उसकी ट्रैकिंग आईडी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि सैंडिस्क एक बढ़िया कंपनी है जो अपने कस्टमर का ख्याल जरूर रखती है। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जरूर।